पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पाप मिट गए हैं कि मुझे इस जन्म में ये सौभाग्य मिल रहा है। ऐतिहासिक दिन भी है और हम लोगों का सौभाग्य भी है। आज बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। अब इससे खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है। विश्व में जितने लोग हैं जो राम में मानते हैं, उन सबको आज अपने जीवन की सबसे ज्यादा खुशी के पलों की अनुभूति हो रही होगी। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पाप मिट गए हैं कि मुझे इस जन्म में ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं ये देख पा रही हूँ श्री राम लल्ला का अपनी जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इतना भव्य मंदिर बनते हुए देख पा रही हूँ। मेरे दादा दादी कितने पूर्वज देखना चाह रहे होंगे मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। ये क्षण कैसा रहेगा, कितना भावुक रहेगा आपके लिए जब आप साक्षी बनेंगे? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मैं वही कह रही हूँ। अभी 2-3 महीने पहले मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, वो पूरा जीवन राम नाम जपती रही। आज बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। अपनी दादी नानी को जो जो बोलते हुए सुना था कि देखना एक दिन होगा, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, आज वो बात सच होते हुए दिख रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों को, विश्व में जितने लोग हैं जो राम में मानते हैं, उन सबको आज अपने जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी के पलों की अनुभूति हो रही होगी। ऐतिहासिक दिन भी है और हम लोगों का सौभाग्य भी है कि आज जब रामलला का दरबार सज रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या धाम में, तो ऐसे समय पर हमारे गुरुदेव का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और गुरु जी के आशीर्वाद से ही प्रभु की भी कृपा हो जाएगी। भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन है, देश दुनिया दुनिया है, आगे देखता है। पूरे 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 ब्रह्मांड के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हो जाएं, इसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। अब इससे खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है। जिन्होंने ने प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त छुपा दिया, उनके लिए दुर्भाग्य कितना माना जा सकता है, कैसे सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि उसमें भी राम जी की ही इच्छा है कि जो लोग राम से दूर हैं उनको दूर ही रहने दिया जाए, क्योंकि राम से करीब रहने वाला व्यक्ति तो अवसर ढूंढेगा कि अयोध्या धाम के दर्शन हो जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं, सरयू मैया के दर्शन हो जाएं, वो तो अवसर ढूंढेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको अवसर मिल रहा है और वो ठुकरा रहा है, तो इसमें भी मुझे लगता है प्रभु श्री राम नहीं चाहते हैं कि वो उसका दुर्भाग्य है, मुझे तो यही लगता है। क्या कहा जा सकता है कि श्री राम का मंदिर जो आज बन रहा है राष्ट्र मंदिर के नाम से? बिल्कुल, और ये देखिए देश जो है, भारत जो है, प्रभु श्री राम का है। हम सब प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके वंशज हैं, तो निश्चित रूप से ये हम क्या, पूरी दुनिया ही चाहती है कि ये जो हमारा रामलला का मंदिर है वो राष्ट्र मंदिर ही बने। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा मानने से मना करने के बाद कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सब परिवार जाएंगे दर्शन करने, जबकि अयोध्या काफ़ी बार आए, उन्होंने दर्शन तक नहीं किया, उस पर क्या कहना? भगवान सद्बुद्धि देंगे, आएंगे, आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए, और जब तक सद्बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति प्रभु के चरणों में नहीं आ पाता है। मुझे लगता है उनको भी भगवान देंगे सद्बुद्धि और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.